रास्ता तो जाने गए भाई, पहले नाश्ता करने गए, फिर मेरे को वैक्सीन लेने गए आज। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सैटरडे है तो मंडे टू फ्राइडे के था ऑफिस में एकदम फुल है, और बोलते ना पैक रहते हैं, मतलब ऑक्यूपाइड रहते हैं। और बाकी यूट्यूब चैनल में चलाता तो और भी ऑक्यूपाइड रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता हूँ, कितनी सारी मेहनत करता हूँ। तो फ्राइडे क्या है, लेट नाइट में जगता हूँ, मूवी वूवी देखता हूँ, अपनी बोलते ना खुद की पर्सनल जिंदगी जीता हूँ। तो सैटरडे में सुबह लेट उठता, बट अचानक और भयानक मुझे कॉल आता है और बोलता है भाई आपकी वैक्सीन की अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, तो आप कितने बजे तक आओगे? बोला तू ही बता, बोलते हैं 12 बजे तक आ जाओ, मैं आपको दिला देता हूँ। बोला था ठीक है भाई, मैं आता हूँ। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी घर से उठा हूँ और फटफट भाग रहा हूँ। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, एक हाथ में हेलमेट है, चश्मे देखो कैसे टेढ़े हो गए। अभी बाइक चालू करके मैं सीधा निकल रहा हूँ वैक्सीन सेंटर। दूसरा ब्रेकफास्ट नहीं किया तो ब्रेकफास्ट में रस्ते में करूँगा, फिर खाली पेट वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। तो सीधा मिलता हूँ मैं मोटो व्लॉगिंग करते हुए। मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, उससे पहले जैसे मैं गली से अपनी बाहर निकला ना, तो एक जन को सुनाना पड़ा, बताओ क्यों? ये रिक्शा में था और पान खा के थूक दिया रे, मतलब मेरे पे गिरा नहीं बट मेरे को इतना गुस्सा आना। मैं बोला क्या कर रहा है तू ये? मैं बोला मैं तेरे पे थूकू क्या अभी? तो बोलता अरे भाई जान देना सॉरी ना। मैं बोला तू पहली बार तो ये किया नहीं रहेगा, कितनी बार किया रहेगा सॉरी बोल के छोड़ देने का? क्या बोलेगा ना लोगों को। और एक तो मैं हड़बड़ी में हूँ क्योंकि अपने को वैक्सीन मिल जानी चाहिए टाइम टू टाइम, और उससे पहले ब्रेकफास्ट करना है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा टाइम बच जाए, तो इसके लिए थोड़ी सी गाड़ी में ले रहा हूँ फास्ट में। जैसे देखोगे आप मेरे मोटो व्लॉगिंग में आज कि कैसी रफ चला हुआ, थोड़ी तो रफ चलानी पड़ेगी क्योंकि मुंबई सिटी है भाई, कोई जाने का जगह नहीं देता तो भगानी पड़ती है। कई लोग ना बहुत स्लो गाड़ी चला रहे या फिर बोलते ना बीच में आ जाते, ऐसी तकलीफ हो रही है मुझे। अभी फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे, अपना कौन सा है ये मीट चौकी सिग्नल है ये। अभी यहाँ से मैं राइट टर्न मारूँगा और सीधा अंधेरी पहुँचना है मुझे। अंधेरी भवंस कॉलेज जा रहा, उसके सामने रिक्लेमेशन क्लब है, वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट है भाई। ये जो भी है जोमेटो स्विगी या कुछ सेडो फैक्स करके है, कुरियर वाला या पता नहीं क्या है, फूड वाला रहेगा, बट उसने लिखा वी डिलीवरी। उसकी एक्टिवा में देखो कितना सारा सामान है, सब लोग महंगी महंगी बाइक लेते और सैडल बैग लेते, टेल बैग लेते, इतना खर्चा करते। ये भाई साहब को देखो कितनी बैग है, मानो 1 2 3 4 4 बैग है टोटल। ये देखो फुल ऑन, इसको बोलते हैं कि भाई एक्टिवा को प्रॉपर यूज कर रहा है डिलीवरी के लिए। ऐसे भी मैंने बोला ना यार सिटी में स्कूटर बहुत काम की रहती है, तो भगाओ, रोकना है ब्रेक मारो खत्म। खाली हाँ बस छोटा टायर की वजह से स्लिप मारने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट जैसे मैंने देखा है कि अबरोड में ना बहुत अच्छी अच्छी स्कूटर रहती है, अगर इंडिया में आ गई ना तो यार सबसे पहले मैं परचेस करूँगा। मेरा ड्रीम है कि स्कूटर में है ना लद्दाख लेके जाओ, अरुणाचल प्रदेश लेके जाओ, मेघालय लेके जाओ, या इंटरनेशनल राइड मारो जैसे नेपाल है या थाईलैंड गया, बट स्कूटर से। मेरे को स्पोर्ट्स बाइक नहीं लेनी है कोई ना, मतलब जैसे कैसे बोलते हैं कि कोई गियर वाली बाइक लेनी है महंगी महंगी, स्कूटर चाहिए। स्कूटर भले महंगी रहेगी बट स्कूटर लूँगा मैं, वो मज़ा आती है चलाने में यार, दिल खुश हो जाता है मेरा। अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ मलाड़ के इन्फिनिटी मॉल में। अरे मॉल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बाहर से ऐसे ही क्रॉस कर रहा हूँ, बाहर जो लिंक रोड है वहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ऊपर मेट्रो स्टेशन है, बारिश के वक्त काम आ गई है मेट्रो स्टेशन, इधर बाइक ऐसे खड़ी करते हैं बारिश में बच जाएगी, बट ट्रैफिक भी बहुत जाम होगी क्योंकि दुनिया का मैं अकेला तो चाहना नहीं रहूँगा। कितने लोग जो रहेगी वो मेट्रो स्टेशन के नीचे ऐसे खड़े रह जाएंगे और ट्रैफिक जाम करेंगे। भागम दौड़ी में मैं ब्लैक टी शर्ट पहनना ही भूल गया, देखो अभी ये चमड़ी मेरी जलने वाली है। वहाँ चल एक काम कर, तू टर्न मार, मैं पीछे से जाऊँगा। कड़क धूप है, मेरे को लगा था बारिश रहेगी, कड़क धूप है। चमड़ी तो टैंक होने वाली है बट एक फ़ायदा हो गया कि बारिश नहीं है तो मैं गिल्ला नहीं होगा, और दूसरा अपना गोप्रो गिल्ला नहीं होगा यार। अरे यार कमेंट में कोई बताना यार, गोप्रो को वाटरप्रूफ बनाना है बारिश के लिए, वो ग्लू लगाते ना जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर लगाते, तो मेरे को लगाना है, बट उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, उसको वैक्स बोलते हैं ये मेरे को मालूम है, बट एग्जैक्ट वर्ड नहीं मालूम और कहाँ पे मिलता है ये नहीं मालूम यार, क्योंकि अपने को भी तो अपने गोप्रो को वाटरप्रूफ बनाना है और मोटो व्लॉग करनी है बारिश में। अरे यार ये सिग्नल पे तो लंबा ट्रैफिक है, 2 मिनट तो यहीं चली जाएगी, ये इलेक्ट्रिक बाइक लगता है। अरे यार लंबा सिग्नल है यहाँ का, यार ये सिग्नल पे ज़बरदस्त ट्रैफिक मिली है, कट मारने का भी मौका नहीं मिलता क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है ना, आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और रास्ते तो देख ही रहे हो पत्थर भी है, स्लिप मार गया तो तकलीफ हो जाएगी। कट मार मार के तो बहुत आगे आ गया मैं, बट बोलते ना कि भाई थोड़ा रिस्की भी है, बट जैसे मैंने बोला आज तो भाई थोड़ी सी रफ गाड़ी तो चलानी पड़ेगी।
आपको मेरा हुनर भी दिखाता हूँ। ये सब हुनर कॉलेज में बहुत था, बट अभी धीरे धीरे बोलते ना छोड़ देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इसके लिए। बट कभी कभार बोलते ना वो कीड़ा आ जाता कि नहीं भाई रफ गाड़ी चलाने की आज, तो आज मन हो रहा है कि चलाता हूँ। खड्डे तेरी तो या इन ऑर्बिट आ गया मलाड लिंक रोड वाला। अरे बाप रे, डाइवर्जन दे दिया मेरे को, कार को जाने देता हूँ, पहले मेरे को जाना पड़ेगा। चल 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 चल, रुक मत भाई, रास्ता खाली है लेफ्ट का, निकालो गाड़ी फटफट। तो मज़ा आ रही है गाड़ी चलाने, ऐसे बहुत टाइम के बाद रफ गाड़ी चला रहा हूँ। तो भाई मेरा देख के आप लोग मत चलाना, बट मैं रफ गाड़ी चला रहा हूँ। बट बता दूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी को हॉर्न नहीं मार रहा हूँ, ना मैं उसको लोगों को चिल्ला रहा हूँ कि साइड दे वाइड दे। अगर साइड मिल रही है तो मैं खुद अपने आप समझदारी से मैं साइड से कट लेता हूँ, मतलब मैं वो लोग को आवाज़ या हॉर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं वो लोग पे चिल्ला नहीं रहा हूँ ना हॉर्न मार रहा हूँ वो लोगों को, समझे? ये याद रखना, किसी को परेशानी मत करो, रफ चलानी है वो खुद की मर्जी है, तो खुद चलाओ रफ। ये देखो जैसे यहाँ से मैं साइड से निकल गया, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, रिक्शा वाले कभी भी टर्न मारते हैं इसके लिए। देखो मैं भगा रहा हूँ गाड़ी, मेरे राइट साइड में सब लोग स्लो में है, लेफ्ट मेरे को खुला मिला तो मैं भगा रहा हूँ। मेरे भाई लोग, रास्ता तो जाने का है भाई, पहले नाश्ता करने का है, फिर मेरे को वैक्सीन लेने का है आज। एक तो बहुत टाइम के बाद अपॉइंटमेंट मिली है, पहले मिलती नहीं थी। सामने से कॉल आया, इसको बोलते भगवान की मेहरबानी कि भाई तू वैक्सीन ले ले अभी और फिर ट्रैवल स्टार्ट कर। ऐसे भी मैं ट्रैवल स्टार्ट करने की सोच ही रहा था, मैं सोच रहा था पहले वैक्सीन मिल जाए फर्स्ट डोज, उसके बाद करता हूँ। इसके लिए मैं रुक रहा था और अपने को भगवान ने मेहरबानी कर दी कि भाई जा वैक्सीन ले ले, इसलिए सामने से कॉल आना कि भाई तेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई, आ जा। अरे मैं मंदिर के बाहर हूँ, जल्दी आ, चल जाने के अपने को। अरे अंदर आओ, जूता बूता निकालना पड़ता है, कौन आएगा? और मेरे को नाश्ता भी करना बाकी है, खाली पेट वैक्सीन नहीं लेते, जल्दी आ। मेरे साथ और एक बंदा है, उसको भी वैक्सीन लेना है, उसका भी अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है, तो हम दोनों साथ में लेने जा रहे हैं। बट उससे पहले ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। और यहाँ पे देखो अपना मोटो व्लॉगिंग चालू है, मोटो व्लॉगिंग में कुछ गलती ना हो, क्योंकि इससे पहले दो तीन वीडियो मैंने मोटो व्लॉगिंग की बनाई थी ना, तो क्या हो रहा था मालूम है, माइक में कुछ इश्यू आ रहा था, कभी कभार चल रहा है कभी कभार नहीं चल रहा है। एंड दूसरी चीज़, अपने स्कूटर ही बोल सकते हैं इसको, मैक्सी स्कूटर जब से आई ना, तो यार सिटी में घूमने में बहुत मज़ा आ रही है। जैसे एक महीना अपने पास ये स्कूटर नहीं थी, क्योंकि बैटरी रिप्लेस करने दी थी, तो क्या तकलीफ़ हो रही थी पता है? रिक्शा से जाने का मन नहीं हो रहा था, बस से जाने का मन नहीं हो रहा था, ट्रेन से जाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो पैसा भी नहीं पड़ता और मज़ा भी नहीं आती। पेट्रोल के भाव बढ़ गए ना, फिर भी स्कूटर चलाने में जो मज़ा आती ना, दिल खुश हो जाता है, पड़ता है। 103 रुपया मुंबई का पेट्रोल का भाव है, फिर भी स्कूटर चलाने में मज़ा आ रही है मुझे। राम जी के पुत्र लवकुश हमारे साथ हैं कैमरा मैन, उन्होंने बोला यहाँ कैमरा मैन चला, उसने कैमरा पकड़ा, इसलिए बोले कैमरा मैन है। और यहाँ का फेमस इडली, इंडिया का फेमस या वर्ल्ड का? वीरा देसाई से इंडिया वीरा देसाई रोड का फेमस है ये। हाँ। यार ही रोड है ना, वीरा देसाई रोड का फेमस इडली यहाँ का मैं खा रहा हूँ। और यहाँ के अन्ना ने एक हेल्प की, देखो चटनी थोड़ी अलग चाहिए थी, तो उन्होंने बोला ये लो चटनी ले लो, डोसा का स्पेशल चटनी इनको मिला खाने के लिए। और चम्मच भी दे रहे थे, मगर मैं बोला नहीं, हाथ से खाने में जो मजा है ना यार, चम्मच नहीं। और खास करके साउथ का भूख तो हाथ से ही खाओगे तो ही पेट भरता है। हाँ यार, क्योंकि उन लोग हाथ से ही खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है हाथ से खाने में। पिछली क्या मजा आता है, इडली के ऊपर सब चटनी सांभर ये सब डाल के मजा आता है, अलग अलग लेते ना होटल में, वैसा मज़ा नहीं आता, वो मज़ा भी नहीं आता। अरे यार, एक तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर रखा है तो कोई जल्दी क्रॉस भी नहीं कर रहा है, और सामने मैं पहुँच चुका हूँ वैक्सीन सेंटर, अभी फटफट अंदर जाना है। कॉल पे कॉल आ रहे, भाई अपॉइंटमेंट तेरी फिक्स है, जल्दी आ। मैं बोला यार ब्रेकफास्ट तो करना पड़ेगा ना, एक मिनट वो बात कर रहा। तीन लोग वैक्सीन लेके आ रहे हैं, सब लोग हाथ ऐसा पकड़ कर, अपन भी पकड़ेंगे। वहाँ पे एक जन ने हाथ पकड़ा है, यहाँ पे भी पकड़ा है, वहाँ पे वैक्सीन सेंटर है, जो हम लोग का नंबर लगेगा तो हम लोग अंदर जाएंगे। सीधा बैठिए, आराम से यहाँ पे, हाँ सीधा बैठिए, रिलैक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो,
सीधा बैठ, देखने में क्या तकलीफ है, आप हिला दोगे पूरा वो तो। लव खुश और मैं अभी होटल में खाना खा रहे, इससे पहले हम लोग ने वैक्सीन ले लिया, बट वैक्सीन लेते वक्त मेरे को जैसे इंस्टाग्राम के लिए फोटो खींचना था और वीडियो निकालना था, वो लोग डिनाई कर रहे हैं मत करो मत करो, पर मैं इंजेक्शन हल्का हो जाएगा वो हो जाएगा, और जब इंजेक्शन लगा रहे तो मैं देख रहा हूँ तो मेरे को देखने को भी ना बोल रहे थे, उसकी वजह से वीडियो आया नहीं। बाकी तो अभी हम लोग लंच कर रहे हैं क्योंकि कड़क भूख लगी है, इडली बोलते ना कहाँ पे हजम हो गए पता ही नहीं चल रहा है, इसके लिए अभी तगड़ा खाना खा रहे फिर हम लोग यहाँ से निकले। और वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे वो मैं अपडेट लेते रहूँगा, तो वीडियो में बने रहेंगे।